दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जगत ज्ञान में। आप सभी जानते भी होंगे कि विंडोज 7 14 जनवरी 2020 को एक्सपायर भी होने वाला है। अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, 26 दिसंबर 2019 है, करीब 20 दिन रह गए हैं विंडोज 7 एक्सपायर होने में। तो हमें विंडोज 7 को और भी ज्यादा सुरक्षित और भी ज्यादा सिक्योर बना लेना चाहिए, ताकि जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 को एक्सपायर कर दे, विंडोज 7 को सपोर्ट ना करें, तब हम अपने कंप्यूटर को वायरस से और अन्य चीजों से सुरक्षित कर सकें, सिक्योर कर सकें। दोस्तों घबराने जैसी कोई बात नहीं है, विंडोज एक्सपी करीब 5 साल पहले एक्सपायर हो चुका था, लोग अभी तक चलाए हैं, अभी भी चल रहा है। ये तो विंडोज 7 है जो विंडोज एक्सपी से लाख गुने ज्यादा काबिल है, इसे हम 5-7 साल और भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें चलाने के अच्छे तरीके मालूम होने चाहिए, जो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो काफी खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज 7 में अपने फाइल की, अपने कंप्यूटर की सुरक्षा और कैसे डबल ट्रिपल कर सकते हैं, कई सारे तरीके बताऊंगा। शायद आप कुछ को जानते हो कुछ को ना जानते हो, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कंप्यूटर में एडमिनिस्टर प्रोटेक्शन देने के लिए। 90% कंप्यूटर की सेफ्टी इसी एडमिनिस्टर प्रोटेक्शन के द्वारा होती है। अगर आपने साइबर कैफे में कंप्यूटर चलाया होगा तो आपको ध्यान होगा, साइबर कैफे वाले कस्टमर के लिए एक नया यूजर अकाउंट बना के रखते हैं कंप्यूटर में। आपने देखा होगा उस यूजर अकाउंट से उनके कंप्यूटर में कोई बदलाव करना चाहो, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहो या कोई छेड़खानी करना चाहो, तो वो एडमिनिस्टर पासवर्ड मांगने लगता है। इसी को हम एडमिन प्रोटेक्शन कहते हैं। एडमिन का मतलब होता है मालिक यानी कि मुखिया। जिस कंप्यूटर में एडमिन की प्रोटेक्शन दी गई हो, उस कंप्यूटर में आप बिना एडमिन के परमिशन के कोई भी सेटिंग नहीं चेंज कर सकते, ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और ना कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वायरस भी नहीं आएगा। अगर मान चलिए वायरस आ भी जाता है, तो उसे एक बार कंप्यूटर खराब करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए होगी, जो कि उसे नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं एडमिन प्रोटेक्शन कैसे लगाया जाता है कंप्यूटर में। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में पासवर्ड लगा होना चाहिए। पासवर्ड नहीं लगा है तो पासवर्ड लगाने के बारे में बता देता हूँ। जिनके कंप्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ है वो वीडियो थोड़ा स्किप करके देख लें। पासवर्ड लगाने के लिए स्टार्ट बटन पे आएंगे, आपको अपने यूजर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट ए पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब आपके कंप्यूटर में पासवर्ड लग चुका है। अब आपको चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। आपने ध्यान दिया होगा, जब हमने इसे ओपन किया तब इसने हमसे येस और नो के लिए नहीं पूछा, लेकिन अब ये पूछेगा, क्योंकि हम इसकी सिक्योरिटी अब हाई कर देंगे और ओके क्लियर कर देंगे। यस के लिए पूछेगा, यस कर देंगे। मैनेज अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। क्रिएट ए न्यू अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, जिस नाम से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वो नाम डाल देंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर पहले से ही सिलेक्ट होगा, इसको सिलेक्ट रहने देंगे। स्टैंडर्ड यूजर का मतलब भी यही होता है कि वो कंप्यूटर में बिना एडमिन के परमिशन के कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल इंस्टॉल नहीं कर सकता है, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा सारा काम हो चुका है। अब विंडोज प्लस एल की दबाएंगे, यानी कि विंडो बटन दबाने के बाद में एल बटन भी दबाएंगे। आपका कंप्यूटर लॉक हो चुका होगा। अब स्विच यूजर का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जो आपने नया अकाउंट बनाया है वो अकाउंट दिख रहा होगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, इसमें 10 से 5 मिनट का समय लग सकता है। हमने जो नया यूजर अकाउंट बनाया है वो लॉगिन हो चुका है। चलिए कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इंस्टॉल होगा या नहीं होगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यस और नो के साथ साथ एडमिन की परमिशन मांग रहा है, यानी कि एडमिन का पासवर्ड भी मांग रहा है। बिना पासवर्ड डाले हम इसमें यस करके देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हैं एरर आ गया है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे अगर हम कोई गलत पासवर्ड डाल के भी यस करेंगे तब भी यही एरर मैसेज आएगा, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी हम कंप्यूटर में कोई सेटिंग चेंज करके देखते हैं चेंज होगी या नहीं होगी। चेंज यूजर अकाउंट नेम पे क्लिक करेंगे अपने यूजर अकाउंट का नाम चेंज करने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्लिक किया वो दोबारा से एडमिन का पासवर्ड मांगने लग गया, यानी कि एडमिन की परमिशन मांगने लग गया। मतलब ये है हम अपने अकाउंट का नाम भी नहीं चेंज कर सकते हैं बिना एडमिन की परमिशन के। साइबर कैफे वगैरह में इसी तरह से अकाउंट बना के दिया जाता है बाहर वालों को यूज करने के लिए। अब आप समझ गए होंगे ये कितना सुरक्षित है। ध्यान दीजिए, किसी ने कहा है कि तुम गोली बनाओगे तो मैं बुलेट प्रूफ जॉकेट बनाऊंगा, फिर कहा है कि तुम बुलेट प्रूफ जॉकेट बनाओगे तो हम उसे भी छेदने वाली गोली बना लेंगे। मेरा कहने का मतलब आप साफ साफ समझ रहे हैं, इस पासवर्ड को भी तोड़ा जा सकता है। कोई भी पासवर्ड तोड़ना नामुमकिन नहीं है आज के दुनिया में। मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये पासवर्ड कैसे ब्रेक होगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आपका विंडोज 90% तक सुरक्षित हो गया है। वैसे तो विंडोज खराब होने के, विंडोज करप्ट होने के सिर्फ दो कारण होते हैं।
पहला कारण वायरस का कारण, जिससे विंडोज सबसे ज्यादा खराब होता है। और वायरस कंप्यूटर में सिर्फ दो ही वजह से आते हैं, पहला यूएसबी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या अन्य किसी चीज से डाटा कॉपी पेस्ट करने से। अगर आप ये सब काम करते हैं तो इससे बचने का एक ही उपाय है, कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल लीजिए और जो भी एंटीवायरस डाल रहे हैं उसे समय समय पर अपडेट भी करते रहिए। अपडेट करने का फायदा यह होता है, जो मार्केट में रोज रोज नए नए वायरस आते हैं उनसे आपका एंटीवायरस लड़ लेगा। अपडेट नहीं करोगे तो पुराने वर्जन वाला एंटीवायरस नए वर्जन वाले वायरस से लड़ नहीं पाएगा। दूसरा, गलत तरीके से इंटरनेट का उपयोग करने पर। इंटरनेट चलाना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से चलाओगे तो इससे आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। गलत तरीका, जैसे कि आप कंप्यूटर पे कोई अश्लील चीज देख रहे हो इंटरनेट पे, या कोई मूवी डाउनलोड करना है, या कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो ऐसी वेबसाइटों पे तमाम सारे फर्जी लिंक दिए होते हैं प्ले नाउ के, डाउनलोड के। लोगों को मालूम नहीं होता है कौन से वाला असली का प्ले बटन है जिसको प्ले करते ही प्ले हो जाएगा असली में, या कौन से वाला डाउनलोड का बटन है जिससे डाउनलोड करते ही डाउनलोड हो जाएगा। और इसी डाउनलोड और प्ले के फर्जी लिंक की वजह से कंप्यूटर में वायरस वगैरह घुस जाते हैं। इससे बचने के लिए आप ये सब फर्जी चीज छोड़ सकते हैं या भरोसेमंद वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए। और वेबसाइटों को पहचानना सीखिए, उनके लिंक को पहचानना सीखिए, कौन से फर्जी वाले हैं, कौन से अच्छे वाले हैं। लेटेस्ट विंडो डाल सकते हैं। लेटेस्ट विंडो का मतलब मेरा यह नहीं कि विंडोज 10 डाल लो, विंडोज 7 का भी लेटेस्ट अपडेट होता रहता है, वो डाल सकते हैं। और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए आप अपने पर्सनल फोल्डर पर पासवर्ड लगा सकते हैं। फोल्डर में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, इस पे मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें काफी डिटेल में बताया हुआ है, दो तीन तरीके बताए हैं, ये भी बताया कौन सा अच्छे वाला है, कौन सा बेकार वाला है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। कंप्यूटर में और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी डिस्क में, यानी कि लोकल डिस्क में पासवर्ड लगा सकते हैं। बिना पासवर्ड डाले कोई आपकी डिस्क में घुस नहीं पाएगा, अगर किसी तरह से वो घुस भी जाता है तो आपका जो डाटा है वो सारा खराब हो जाएगा, उसके काम नहीं आएगा। लोकल डिस्क में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, इस पे मैंने अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, काफी डिटेल में समझाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई नया वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग की वीडियोस देखने के लिए।